हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि मोटो E13 फ़ोन में आप लोग हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोटो E13 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को हॉटस्पॉट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, आपका जो हॉटस्पॉट है वो ऑन नहीं हो रहे, या हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करते यहाँ पर बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है, या आपका हॉटस्पॉट बार बार ऑफ हो जा रहा है, तो कैसे आप लोग इस हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस नेटवर्क एंड इंटरनेट का, तो इस नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा गाइस हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग का, तो इस हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वाईफाई हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन होगा, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है उसको एक बार चेंज करके चेक करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर हॉटस्पॉट के पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद यहाँ पर चेक कर लीजिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को जो है AP बैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर ये 5 GHz में सेट है तो इसको 2.4 GHz में सेट करना है, तभी आपका यह हॉटस्पॉट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन होगा तो अगर आपने जो है यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट नहीं करेंगे अपने हॉटस्पॉट के साथ तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो ये अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं मैक्स कनेक्शन का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में ये 1 पे सिलेक्ट है तब क्या होगा गाइस, सिर्फ एक ही कनेक्शन आप लोग हॉटस्पॉट में दे पाओगे, ठीक है गाइस, दो कनेक्शन नहीं होंगे, तो ये भी एक हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है गाइस। तो इसको आप लोग जितना हो सके उतने में सेट करके रख दीजिए। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने जो है हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। ये सब सेटिंग्स कर देने से ही आपका जो है हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।